तब हम देखते हैं चैंपियन को फुल फोर्स में नीचे आते हुए, जिसे देखकर थैनोस सोच रहा था ये खुद को एक स्टेरॉइड फ्रेंजी में बदल रहा है। ये सोचता है पावर ही सब कुछ है, वो सभी का आंसर है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इंटेलेक्ट भी कोई चीज होती है। उसे लगता है उसका ग्रेनाइट फिस्ट ये काम कर जाएगा। ये बहुत हद तक एक बच्चे से लड़ने जैसा है। और चैंपियन को नीचे आता देख थैनोस सोच रहा था इसका हिट एक न्यूक्लियर आर्सेनल की तरह लगेगा इस प्लेनेट को, और प्लेनेट टमाराटा विक्टिम बनेगा चैंपियन के एंगर का। ये पूरा प्लेनेट तबाह कर देगा। उसे नहीं पता इस स्टोन में कितनी पावर है, लेकिन मैं जानता हूँ, और इसका एंगर इसके खिलाफ एक हथियार की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक पत्थर के सहारे चैंपियन स्पेस में तैर रहा था और कह रहा था कोई भी चैंपियन के सामने टिक नहीं सकता, चैंपियन अजय है। तब पीछे से थैनोस कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि टमाराटा जो हमारा प्राइज था वो अब जा चुका है, उसे तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब चैंपियन थैनोस से कहता है मैं तुमसे बैटल करूंगा तुम्हारे क्राफ्ट के लिए। तब थैनोस कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे ही बैटल करूंगा? तब चैंपियन कहता है क्योंकि कॉम्बैट के ऑनर में तुम मुझसे बैटल करोगे। तब थैनोस उसे पागल कहकर वहां से जाने लगता है, जिस पर चैंपियन उसके क्राफ्ट को स्मैश करने की धमकी देता है। तब थैनोस उसे जवाब देता है तब तक तुम मेरे क्राफ्ट को स्मैश नहीं कर सकते जब तक इस पर फोर्स फील्ड है, और वहां से ये कहकर जाने लगता है कि चैंपियन तुम मुझे बोर कर रहे हो। तब चैंपियन कहता है रुको, तुम मुझे यहाँ पर इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तब थैनोस कहता है क्यों नहीं, तुम इमॉर्टल हो, स्पेस में फ्लोट करना तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन एक या दो सेंचुरी के बाद तुम बूढ़े जरूर हो जाओगे। तब चैंपियन कहता है प्लीज मुझे किसी करीब के ग्रह पर ट्रांसपोर्ट कर दो। तब थैनोस कहता है लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा सोल जेम चाहिए। थैनोस की बात सुनकर चैंपियन उससे कहता है भूल जाओ, आज नहीं तो कल कोई तो यहाँ पर आएगा और मुझे ले जाएगा। तब थैनोस कहता है हाँ आएगा, लेकिन तुम कितने इगोइस्टिक मॉन्स्टर हो ये जानकर तुम्हें यही छोड़ जाएगा। तब उसकी तरफ सोल जेम फेंकते हुए वो कहता है ये लो और मुझे किसी पास के ग्रह पर पहुंचा दो, लेकिन अगर इसने काम नहीं किया तो भी तुम मुझे पहुंचाओगे या नहीं? तब थैनोस कहता है थैनोस हमेशा एग्रीमेंट का ऑनर करता है, और वो अपने ट्रैक्टर भीम से उसे पास वाले ग्रह पर ले जाता है और पूछता है यह ग्रह तुम्हारे लिए सुटेबल होगा है ना? तब चैंपियन कहता है हाँ मैं इसके रूलर को जानता हूँ, और वो कहता है इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी अपनी ट्रैक्टर भीम से आज़ाद करके वो उसे नीचे गिराने लगता है, जिस पर चैंपियन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तब थैनोस चैंपियन से कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो एग्रीमेंट में है। एग्रीमेंट में इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ था कि लैंडिंग सॉफ्ट होगी, और उसकी तरफ देखकर वो कहता है मुझे नहीं लगता चैंपियन इससे सर्वाइव कर पाएगा, वो भले ही इमॉर्टल हो लेकिन कुछ लिमिट्स होती है इमॉर्टेलिटी की भी, इसके बावजूद मैंने उसे बेटर ट्रीट किया है, आखिरकार उसने खुद को साबित करके मुझे दूसरा सोल जेम जो दिया है, लेकिन फिर भी पहला ज्वेल ही सोल जेम का नाम डिजर्व करता है, इसलिए इन्हें इन्फिनिटी जेम कहना सही होगा। अब दो जेम मेरे पास है, सोल जेम और जेम ऑफ पावर। अब अगला ज्वेल जिसके पास है उसका नाम है गार्डनर, थैनोस आगे बताता है, और यही अकेला एल्डर है जिसका कॉन्सर्न है उसकी फ्लोरल ब्यूटी पर, और यही उसकी इच्छा लीड करती है ट्रैक डाउन करने के लिए इन्फिनिटी जेम, और अब वही इसके अंत का कारण बनेगा। ये चीज़ उसे एल्डर के साथ कांटेक्ट में तो रखती है, लेकिन उनकी ताकत की भूख की वजह से वो उन्हें छोड़कर वापस आ गया और अपने गार्डन की देखभाल करने लगा। वहाँ पहुंचकर थैनोस कहता है यह सच में एक बेहतरीन गार्डन है। तब गार्डनर उसे कहता है ये तो अजीब बात है, थैनोस के मुँह से ऐसी बातें। तब थैनोस उसे समझाता है देखो मैं भले ही प्यार करता हूँ डेथ से, लेकिन मैं ब्यूटी का भी दीवाना हूँ, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। थैनोस कहता है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो इसे बनाते हैं। तब गार्डनर उसे ऑफर करता है अपने साथ राउंड पर चलने के लिए, जहाँ पर वो गार्डनर से पूछता है कि आपने ज़्यादा देर एल्डर्स के साथ क्यों नहीं बिताया? तब गार्डनर उसे बताता है क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, उनका गोल सिर्फ और सिर्फ पावर पाना था और ज़्यादा पावर, और
मैं यहाँ पर पीस ढूंढने चला आया मेरे गार्डन में। तब थैनोस उससे पूछता है कि आपने पहले उन्हें ज्वाइन क्यों किया था। तब गार्डनर कहता है क्योंकि मुझमें और उनमें एक कॉमन थिंग है, ये सोल जेम्स। ये मुझे एक साल पहले मिला था, जिसकी वजह से मेरा गार्डन खिल उठा और ये डिटरमाइन करता है मेरा प्राइज, यहाँ तक कि एल्डर्स को भी ये पसंद है।